ठाकुर घुटने के बल बैठ जाओ रोने लग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीव। आपका भाई एकदम सज धज के एकदम दीव वाले फील में, मतलब गोवा वाला फील है, सस्ता गोवा। और एक विपदा आन पड़ी है हमारे ऊपर बहुत ही जबरदस्त वाली, वो ही है ये, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। और पंचर वाला कहाँ होगा अंकल यहाँ पे, तो अभी पंचर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी के बिना तो काम कैसे होगा। कि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि ये देखते हैं यहाँ अंदर स्टेपनी है कि नहीं है, तो वही देखना अभी चेक करते हैं। आई रिचा जी टायर चेंज कर दिया है, पर थोड़ी सी दिक्कत है उसमें, ये दिक्कत है कि थोड़ा मेरे को जो है ना उसकी रिम टेढ़ी लग रही है, तो हमको उसको सही कराना पड़ेगा क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, 230 किलोमीटर वापस जाना है। तो देखते हैं अभी कोई मिल जाता है पंचर वाला तो ठीक है, नहीं तो ढूंढेंगे गाँव में, टाइम वेस्ट करेंगे, खैर चलता रहता है, होता है गाड़ी। तो दोनों जब तक रेडी होंगे तब तक हम लोग पंचर निकलवा के आ जाएंगे। आई होप पंचर वाला जल्दी मिल जाए क्योंकि पूरा दिन ख़राब हो जाएगा अगर नहीं मिला तो। और थोड़ा रिम बैंड है तो रिस्क नहीं ले सकते चलाने का, गाड़ी थोड़ी स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसमें, बट क्योंकि रोड ख़राब है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आई होप पंचर वाला मिल जाए, लेट्स सी क्या होता है, सिटी में जाते हैं एक बार फिर देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो पंचर वाला मिल गया है और अभी पंचर बनवा रहे हैं और ये टायर वापस चेंज करना पड़ेगा और हम ही खुद ही कर देंगे। और यहाँ तो गर्मी लग रही है मुझे, ये पसीना निकल रहा है ऐसे, ठंड है नहीं, ठंड जितना सोचा था उतना नहीं है समुद्र के हिसाब से, पर ठीक है अभी जैसा है वैसा चलेंगे। बाकी तो पंचर बनाएंगे फिर घूमने जाएंगे, वो लोग तैयार होंगे, तैयार होने के बाद हम लोग पिक करेंगे उनको, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो जी पंचर निकलवा लिया, और पंचर निकालने के 100 रुपये लिए हैं, उसने वापस टायर चेंज करना है क्योंकि आपको पता है रिस्क नहीं ले सकते। अभी होटल जा रहे हैं, वो लोग रेडी होंगे तब तक तो टायर चेंज हो जाएगा, फिर निकलेंगे घूमने के लिए। बिल्कुल गोवा जैसा फील है पर थोड़ा सस्ता वाला गोवा, इधर साइड बीच है इधर साइड सिटी है। टायर शाम को बदलेंगे, अभी घूम फिर लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम वेस्ट होने के चक्कर में अपन को घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बोट चल रही है पुलिस वालों की, अगर हो सकेगा तो पैराग्लाइडिंग भी करेंगे समंदर के अंदर ऊपर, अंदर तो पैराग्लाइडिंग कैसे होगी, टाइम मिला तो वेट सी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दियो फोर्ट पे चाय की तलाश में, रेड चे और आजू बाजू वाइट है, ये सबने तो चश्मा पहन लिया, मैं मेरा चश्मा वहीं भूल गया हूँ, तो अभी यही चश्मे हैं वहाँ पे खरीद लेते हैं, 100 रुपये में दे देगा, अच्छा नहीं होते तो फेंक देंगे अपन पहन के, उसमें क्या कभी पैसे देख के नहीं लेने चाहिए, आंखों के लिए लेने चाहिए ऐसा है। हाँ तो मैं अभी है ना वो वाला खरीदूंगा, वो कौन सा आता है वो जिसमें है ना यूवी रेज़, 2-3 हज़ार डाल दो कोई बात नहीं। और पीछे दियो फोर्ट जहाँ पे वो हुई थी, किसकी शूटिंग हुई थी, काइपो 6 की, सुशांत सिंह राजपूत इन क्लास में, आज से 4, 5, 6, 7 आज से 7 साल पहले आया था, तब भी ये सब ऐसा ही था यहाँ पे। और जो दीव सिटी है वो थोड़ा डेवलप हुआ है, पर ये जो फोर्ट है थोड़ा अभी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि भाई थोड़ा रिनोवेट कर दे, अगर लोग इतने देखने आते हैं टूरिस्ट लोग, बट ठीक है अभी इस जगह जा रहे हैं, पीछे फोर्ट इधर साइड है, इधर समुंदर दिखता है, तो वो लोग आ रहे हैं पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। तो अभी एक्सप्लोर करेंगे दीव फोर्ट को कि अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर ऐसा का वैसा ही है। जब उस टाइम पे आया था मैं 9th क्लास में था, स्कूल से आया था मैं एजुकेशनल ट्रिप पे, और सामने समुंदर है पूरा, ये समुंदर है इधर, और गर्मी है भाई खतरनाक, मतलब बात जाने दो इतनी। तो मेरा घर बना लो भाई।
कितनी शांति है यहाँ पे यार, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं यहाँ, कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई कॉलेज नहीं, बस यहाँ एक घर बन जाए, इतना प्लॉट खाली है। ताऊ जी आप देख रहे हो तो एक प्लॉट खरीद लो यहाँ पे, अपन प्लॉट बना के यहीं घर बना लेते हैं। मस्त समुंदर का व्यू है, एकदम नेक्स्ट लेवल, और बहुत मज़ा आएगा यार यहाँ पे। यार कितनी शांति है, ना ट्रैफिक, ना किसी की चीख चीख, ना झिक झिक, वाह वाह मज़ा ही मज़ा। तो राइट नाउ वी आर इन दू फोर्ट, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पे देखो ये रोमेस्टिक बोट भी जा रही है, और ये जो आपको दिख रहा है ये लंबा सा, ये यहाँ का दीव का सेंट्रल जेल है, ऐसा हमको पता चला है वहाँ से कि भाई यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक कैदी है, और वो सबसे ख़तरनाक, ऐसा गूगल ने बताया है, हमको नहीं पता। यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे हमने सर्च किया तो उसमें बता रखा है कि जो अंदर जो कैदी है ना, वो उस जोन के लिए है कि उसने अपनी वाइफ के साथ कुछ कर दिया था, लाइक उसको मार वार दिया था या किसी के लिए, तो वहाँ पे वो रख रखा है। और उसकी वहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि उसको वहाँ पे मतलब फुल ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको वहाँ पे, बस वो बाहर है, वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता है, और समंदर है तो ऑब्वियसली कहीं भाग पाएगा नहीं वो। तो बाकी तो सब बढ़िया है, हम लोग दीव फोर्ट में बैठे हैं और ये लोग कैमरे के पीछे मेरी फुटेज देख रहे हैं, और ये ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये देखो, ये आपने अगर, ये इस बंदे को आपने अगर देखा होगा तो कल रात को भी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बहुत लोगों के मैसेज आए कि ये इसने लगा लिए, तो नहीं भाई हम कोई ऐसा काम नहीं करते, किसी ने कुछ नहीं लगाई थी, हम लोग शरीफ करके लड़के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ इन्जॉय करने आए हैं। 4 दिन का वैकेशन है, हफ्ते में 2 दिन कॉलेज होती है, तो बस थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए आ गए थे यहाँ पे घूमते फिरते। बहुत टाइम से प्लानिंग बना रहे थे कहीं घूमने जाना है, पहले राजस्थान जाने की बात आई थी, बट फिर सोचा कि चलो दीव जाके आते हैं। सो बस दैट्स व्हाई वी आर हियर, और दीव फोर्ट है आजू बाजू, ये देख लो। बाकी सब बस यही ज़िंदगी है, और सोच रहा हूँ अभी यहीं आ जाऊँ मैं रहने के लिए, कहीं नहीं जाना है, कितनी शांति है यहाँ पे। पर सिटी बहुत छोटी है, गंदगी भी है, खाने पीने का है नहीं, खाने पीने का ऑलमोस्ट यहाँ पे सी फूड है, क्योंकि समंदर है ऑब्वियसली सी फूड होगा, चिकन है, नॉन वेज है, अंडा वंडा वो सब है, पर वेज बहुत कम है, और जो भी है बहुत ज़्यादा महंगा है, बाकी सब बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया, ये घर बनाने के लिए मजदूर मिल गया मेरे को। ओ मजदूरों, घर बनाने के लिए मजदूर मिल गया मेरे को, कितना रुपया लोगे भाई? देख रखना फोटो खींच रहा है, रुक जा, देख रखना फोटो खींच रहा है, ऐसे ऐसे बैठ रहे ना, फोटो खींच रहा है वो। सामने रखा हुआ, ऐसा लग रहा है ऐसे आपस में लड़ते होंगे ये, तू इधर से छोड़, मैं इधर से छोड़ता हूँ। हैं कौन सी पुराने जमाने के काम का स्ट्राइक। तो अभी कैसा हुआ कि मैंने भाई को पूछा कि भाई वेव्स क्यों बनती है, तो भाई गाना गाते हैं समंदर में किनारा तू, तो हम समंदर और किनारे को मिलाने के लिए वेव्स बनती है। वेव्स मतलब व्हाट द, मतलब व्हाट द, हां व्हाट इज ब्रो, द चिकन ब्रो। अबे साले बड़े मनुष्य लग रहे हो, मत करो प्लीज, मत करो, तुम ये बड़े मनुष्य लग रहे हो। तो क्यों बोला करने के लिए, एक बार फिर कर देना तो रहने दो, बड़े मनुष्य लग रहे हो तुम, बड़े मनुष्य लग रहे हो। मेरे को नींद आ रही है, तो अभी खाना वाना खाया, फुल पेट एकदम जोरदार, जिस कल जहाँ पे खाया था उसके पास वाले रेस्टोरेंट में खाया। कहाँ जाना, यहाँ पे नोएडा के इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी, और लेट्स सी कैसा है यहाँ पे। पर्यटकों से अनुरोध है कि चट्टान गिरने का भय है, अतः आगे जाना मना है। ये केव को इससे रोक रखा है इन्होंने, ये कभी भी गिर सकती है। और ये हमारे 4 लड़का लोग चट्टानों को निहारते हुए, क्या हुआ हाथ में बताना, हमको दिहाड़ी भी नहीं दिया। चट्टान उठाने का ज्यादा ही शौक था ना आपको, ले लिया शौक, हमने ही बनाया पूरा, ले लिया शौक, बहुत मजा आया। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये दोनों जॉइंट लगे हुए हैं चट्टान को रोकने के लिए,
दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज हाउ सॉरी हील्स. मतलब किसी को गलती करने के बाद आप सॉरी बोलते ना तो कैसे गाँव भरते ना. वो गाँव छोटे मोटे रहते, कभी भी टूट सकते हैं. वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए. हम लोग यहाँ बैठे हैं. अभिषेक को मजा नहीं आ रही, कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है इसको. अभिषेक क्या हुआ? नहीं मजा आ रही. कहाँ जाना? बीच पे जाना है. बीच पे चलते हैं. बीच पे क्या करेगा जाके? बीच पे मस्त चिल मारेंगे. मस्त चिल मारेंगे. चिल कैसे मार? जस्ट चिल चिल ऐसे मारेंगे. वो पता नहीं दोनों कहाँ चले गए. मेरे को लग रहा केव खा गई उनको. अभी ये मैं रखता हूँ अभी यहाँ पे. डायरेक्ट आपको बीच पे जाके मिलते हैं. अभी यहाँ से बीच ही जाना है. ये बोल रहा है सोने चलते. मैं कहा सोने जाएंगे तो 7 बज जाएगी, उठ नहीं पाएंगे. वैसे तो सुबह 11 बजे निकले अपन. और अभी बीच पे जाते हैं डायरेक्ट. नागोवा ना, नागोवा चलो. अभी यहाँ है ना नागोवा बीच, चलते हैं यहाँ से. तो यार अभी नागोवा बीच. और अभी है ना सोच रहे हैं कि इस वाली बोट में बैठना है. 200 rupees पर पर्सन. और जेट स्की का 300 rupees पर पर्सन. उसमें तो गीले हो जाएंगे बनाना राइड में. तो वो बनाना राइड है वहाँ पर. ये वाली इसमें नहीं बैठना है. तो हम लोग बैठेंगे स्पीड बोट में. स्पीड बोट 200 rupees पर पर्सन. अभी सोच रहे हैं बैठना है कि नहीं बैठना है, क्योंकि फिर कपड़े वपड़े लाएंगे तो गीले हो जाएंगे, तो मतलब नहीं है. सो लेट्स सी, अगर बैठेंगे तो बताता हूँ आपको. बहुत अच्छा राउंड लगवाया. और ये भी करना था बट कभी और करेंगे. ठीक है अभी लेट हो रही है ना. क्या ले लो? चलो जल्दी जल्दी सेल्फी बाहर ले लो. देखा दो मजा. देखा ये उतनी होगा डर मत, खुदा अपने साथ है. उतनी होगा पानी से डर लगता है. अरे टेंशन ना ले. अभी वो ऋतिक रोशन की तरह रोएगा. भाई 200 rupees दिए और 200 rupees वसूल है. थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया. पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. ठाकुर घुटने के बल बैठ जाओ, रोने लग. दिलों में बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया था. सिंगल वाले में जाना है इधर. दिस इज द नेक्स्ट लेवल सेटिस्फेक्शन. जब भी पानी ऐसे आता है ना तो वापिस से जो रेत नीचे से जाती है ना वो मजा ही अलग होता है उसका. जब खड्डा पड़ता है ना और रेत थोड़ी थोड़ी कंकर वंकर लगते हैं ना पाँव में, तो मजा ही आता है उसका. बाकी तो हम इन्जॉय कर रहे हैं. आप भी थोड़ा इन्जॉय कर लो ब्लॉग देख के. बाकी फिर मिलते हैं. अभी मैं इन्जॉय कर लेता हूँ, फिर आराम से मिलते हैं. क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में फिर मैं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा और फिर वहाँ रूम पर जाके फिर ऐसा होगा कि यार इन्जॉय नहीं कर पाया यार. चलो तो मिलता हूँ आपको. तो बस बहुत थकान लग रही है और अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं. और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है. बाकी तो आपकी मर्जी है. देखना और शेयर करना जितना हो सके, सपोर्ट करना बस. बाकी तो खुश रहें, अपने आसपास वालों को खुश रखें, सफाई रखें. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़. ये लोग वही बादाम शेक पी रहे हैं, बस वही पी के हम निकलेंगे यहाँ से.